का प्रकोप शहर में दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना के कारण स्थिति प्रतिदिन और भी भयावह होती दिखाई दे रही है। इस स्थिति को समझने और इससे निकलने के लिए पालक मंत्री नितिन राउत इन्होंने बैठक बुलाई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत अनेक लोग सहभागी हुए। इस दौरान फडणवीस ने पत्रकारों से बातचीत की व उनके सवालों का जवाब दिया। कोरोना का प्रादुर्भाव बढ़ने के साथ ही सिटी में हालत भी बिगड़ रहे है। पिछले कुछ दिनों से शहर में 3000 से अधिक मरीज सामने आए। शुक्रवार को भी शहर में 3235 मरीजों की पुष्टि हुई। हालांकि जितना संक्रमितों की संख्या ने नहीं डराया, उससे ज्यादा मृतकों की संख्या ने डराया। पिछले 24 घंटों के भीतर कुल 35 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई, जो कि बहुत भयावह है। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पालक मंत्री ने बैठक का आयोजन किया, जिस दौरान विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस की भी मौजूदगी थी। इस वक्त उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते दरमियान कहा कि लॉकडाउन एक अंतिम निर्णय नहीं है, लेकिन अगर प्रशासन यह निर्णय ले रही है तो हम उनसे बात कर उन्हें सहकार्य करेंगे। नागपुर में नजर आती है आज, उसी के ऊपर गंभीरता से विचार करने के लिए हमारे जो महाराष्ट्र सरकार के गार्डियन मिनिस्टर है, उन्होंने बैठक बुलाई है। हम सभी लोग उस बैठक में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। हम ये मानते हैं कि जो संख्या है, उस संख्या में भले एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स बहुत है, लेकिन जो सिम्प्टोमेटिक है, जिनको मेडिकेशन की आवश्यकता है या हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता है, आज उनके लिए बेड्स उपलब्ध नहीं है। और जो बेड्स जहाँ उपलब्ध भी है, वहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा खर्चा लोगों को आ रहा है, लोगों के बिल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं रेगुलेशन लाकर लोगों को मदद करनी पड़ेगी। उसी दृष्टि से आज हम इस बैठक में सम्मिलित हुए हैं। एक पर्याय है देवेंद्र जी, देखिए मेरा अपना मानना यह है कि लॉकडाउन ये कोई अंतिम सॉल्यूशन नहीं है, या केवल लॉकडाउन के कारण हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं, ऐसा भी मैं मानता नहीं हूँ। लॉकडाउन एक ऐसा माध्यम है कि जिसके चलते हम लोग अपनी तैयारियाँ कर सकते हैं, और इसलिए लॉकडाउन को केवल कोरोना को रोकने का उपाय इस रूप से नहीं देखा जाना चाहिए। अभी तो हमारा मत यह है कि प्रशासन को अगर लगता होगा कि अभी भी लॉकडाउन की आवश्यकता है, तो हम प्रशासन से चर्चा करके उसमें सहकार्य करेंगे। इस दरमियान फडणवीस का कहना था कि संक्रमितों के लिए बेड की कमी भी देखी जा रही है, और जिन निजी अस्पतालों में बेड उपलब्ध है वो आम नागरिकों के लिए काफी महंगे है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।